इस वीडियो के बाद आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को एक्सप्लेन कर पाएंगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए वेब पेज क्रिएट कर पाएंगे व्यू पोर्ट को एक्सप्लेन कर पाएंगे और मीडिया क्वेरीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे जब हम अपने लैपटॉप मोबाइल या टैबलेट पर यूट्यूब फेसबुक या कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमें हर डिवाइस पर उनका कॉन्टेंट काफी सीमलेस लगता है इसका रीजन यह है कि इन वेबसाइट को ऐसे कोड किया जाता है कि यूजर जिस भी डिवाइस पर इन्हें ओपन करे वेबसाइट सीमलेसली ओपन हो जाएगी इसका मतलब है कि वो एस्थेटिकली प्लीजिंग लगेंगी ऐसी डिवाइस फ्रेंडली वेबसाइट्स को हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कहते हैं पर जब हम किसी नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को ओपन करते हैं तो क्या होता है हम सब ने इंटर्नशाला की वेबसाइट विजिट की है राइट ये बिना किसी इशू के लैपटॉप या मोबाइल में सीमलेसली ओपन हो जाती है तो आपको समझाने के लिए हमने सेटिंग्स में कुछ चेंजेस किए हैं जिससे इंटर्नशाला की वेबसाइट नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाए चलिए मैं ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि एक नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मोबाइल में कैसी दिखती है और साथ ही मैं रिस्पॉन्सिव वर्जन को लेफ्ट साइड में ओपन करता हूं तो सबसे पहला नोटिसेबल चेंज जो हमने यहां पर देखा वो है फॉन्ट साइज ये काफी स्मॉल है और इसे रीड करना मुश्किल है तो हमें जूम इन करके देखना पड़ेगा कि वेबसाइट पर क्या कंटेंट डिस्प्लेड है और दूसरे साइड में कंटेंट लेजिबल है फर्दर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के केस में एक नैफ बार एडेड है जिससे वेबसाइट को हम इजिली एक्सेस कर सकते हैं पर नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के केस में हमें जूम इन करके बटन क्लिक करने पड़ते हैं जो एक दूसरे के साथ काफी टाइटली पैक्ड है हम ऐसी और भी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं जो लेस कन्वीनियंट हो सकती हैं और वो वेबसाइट टू तो वेबसाइट डिपेंड करती हैं फॉर एग्जाम्पल नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के केस में शायद एक हॉरिजोंटल स्क्रोल एड हो जाए चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं हम पेज की विथ को ध्यान में रखते हुए एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ प्लेस करते हैं हम पेज हाइट के बारे में कंसर्न नहीं हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर हम पेज में कंटेंट को वर्टिकली एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे तो हम जितना चाहे उतना वर्टिकल स्क्रोल यूज कर सकते हैं यही रीजन है कि हम हाइट को नहीं वर्थ को कंसिडर करते हैं क्योंकि पेज पर हॉर्जोंटल स्क्रोल होना एक डिजायरेबल एक्सपीरियंस नहीं होता है सो हेयर लाइज द प्रॉब्लम हमें पता है कि अलग अलग डिवाइसेस के अलग अलग डायमेंशन और स्क्रीन रेजोलूशन होते हैं लेट से कि मेरे पास एक लैपटॉप है जिसका फिजिकल रेजोल्यूशन है 1366 सिक्सटी सिक्स इंटू और मेरे मोबाइल का फिजिकल रेजोल्यूशन है 1080 एटी इंटू नाइनटीन ट्वेंटी पिक्सल्स पर जब हम वेबसाइट या वेब डेवलपमेंट के साथ डील करते हैं तो मेरे मोबाइल का लॉजिकल रेजोल्यूशन है थ्री सिक्सटी इंटू सिक्स फोर्टी पिक्सल जहां पर थ्री इंटू थ्री डिवाइस पिक्सल कंबाइन करके वन सी एस एस पिक्सल बनाते हैं चलिए कुछ देर के लिए एज्यूम करते हैं कि ट्रेनिंग्स डॉट इंटर्नशाला डॉट कॉम एक नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है और हमने उसे लैपटॉप में खोला है इस डिवाइस में वेबसाइट सीमलेसली ओपन हो जाएगी और हम कॉन्टेंट को बिना किसी इशू के देख पाएंगे अब अगर हम इस वेबसाइट को किसी मोबाइल डिवाइस पे ओपन करेंगे तो कंटेंट फिट ही नहीं होगा क्योंकि आपको याद होगा कि हमने एज्यूम किया था कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है अब या तो मोबाइल ब्राउजर वेबसाइट में एक हॉरिजॉन्टल स्क्रोल एड करेगा या फिर वो कॉन्टेंट को स्केल डाउन करेगा जिससे कॉन्टेंट को रीड करना मुश्किल हो जाएगा जनरली मोबाइल ब्राउजर वेबसाइट के कॉन्टेंट को स्केल डाउन कर देता है पर ये दोनों तरीके कन्वीनियंट नहीं है और ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं नाउ लेट लेटेस्ट अंडरस्टैंड दिस वाइस वर्सा इस बार हमने मोबाइल डिवाइस के लिए वेब पेज बनाया है और हम उसे लैपटॉप में देख रहे हैं क्या आप गेस कर सकते हैं कि क्या होगा हमारे पास दोनों साइड में बहुत सारी अनयूटिलाइज स्पेस होगी इन दोनों डिवाइसेस के के डिफरेंस की वजह से होता है इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमें वेब पेजेस को डिवाइस फ्रेंडली वे में क्रिएट और डिजाइन करना होता है इसका मतलब है कि डिवाइस के फिजिकल रेजोल्यूशन के हिसाब से स्पेसिस को एफिशियंटली यूज करना होता है पर उससे पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसे आप ये वीडियो देखते हुए कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि एक वेबसाइट का लैपटॉप वर्जन मोबाइल डिवाइस में कैसा दिखता है तो पहला स्टेप है अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पर ट्रेनिंग्स डॉट इंटर्नशाला डॉट कॉम ओपन करिए नेक्स्ट ब्राउजर के टॉप राइट कॉर्नर में इन तीन डॉट्स को क्लिक करिए और डेस्कटॉप साइट ऑप्शन को सर्च करिए अब इस ऑप्शन को सिलेक्ट करिए हमें इसके लिए चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना होगा अब हम देख पाएंगे कि अगर हमने इस वेबसाइट के लिए डिवाइस फ्रेंडली वेब पेज ना बनाया हो तो यह वेबसाइट मोबाइल डिवाइस पर कैसी दिखेगी तो लुक वाइज वेबसाइट इतनी बुरी नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ कोई ओवरलैपिंग फॉर्मस या इमेजेस नहीं है पर एक चीज हम नोटिस कर सकते हैं कि टेक्स्ट साइज काफी छोटा हो गया है और उसे पढ़ना मुश्किल है ऑल्सो बटन साइज भी रिड्यूस हो गया है जिससे हॉरिजोंटल स्क्रोल यूज करके वेबसाइट को नेविगेट करना मुश्किल हो गया है अगर हमें पेज पर कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो हमें पहले जूम इन करके लिंक पर क्लिक करना होगा जो इसे और लेस कन्वीनियंट बना देता है अब आप कोई और वेबसाइट ट्राई करिए और देखिए कि उसकी मोबाइल वेबसाइट कैसी लगेगी ऑल्सो हमें दोबारा डेस्कटॉप साइट ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो चलिए वापस आते हैं और देखते हैं कि अलग अलग डिवाइसेज के लिए डिफरेंट वेब पेजेस कैसे बनाते हैं वेबसाइट क्रिएट करने के पहले स्टेप से तो आप फेमिलियर हैं क्या आप उसे गेस कर सकते हैं वेल well, आपने शायद सही गेस किया होगा वेब पेज को क्रिएट करने का फर्स्ट स्टेप है उसे डिजाइन करना जो डिजाइनर करता है डिजाइनर अलग अलग वृथ की डिवाइसेज के लिए वेबसाइट को डिजाइन करता है फिर उन डिजाइंस के बेसिस पर हम डेवलपर्स को सारे डिजाइंस के लिए कोड लिखना होगा और इसके लिए हमें पहले व्यू पोर्ट के कॉन्सेप्ट को समझना होगा व्यू पोर्ट ब्राउजर विंडो के उस एरिया को कहते हैं जहां पर वेब कंटेंट यूजर को विजिबल होता है जनरली व्यू पोर्ट विथ डिवाइस के लॉजिकल विथ जितनी होती है पर ऐसा हर केस में नहीं होता है जैसे ब्राउजर विंडो के केस में यूजर ब्राउजर विंडो साइज को रिसाइज कर सकता है जिससे व्यू पोर्ट की विथ चेंज हो जाएगी इस केस में स्क्रीन की विथ सेम रहेगी पर चेंज हो जाएगी और हो सकता है कि यूजर इसके बाद भी वेबसाइट कंटेंट को स्मॉलर में फिट करना चाहता हो तो वेब पेज डिजाइन करते वक्त डिफरेंट स्क्रीन विथ्स कंसिडर करने की जगह हम डिफरेंट व्यू पोर्ट विथ को कंसिडर करते हैं जब हम डिफरेंट व्यू पोर्ट विथ के साथ काम करते हैं तो स्क्रीन वेट्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं और इसीलिए व्यू पोर्ट विट्स को हम ज्यादा जेनेरिक कंसिडर करते हैं चलिए इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं सपोज करिए कि एक यूजर को इंटर्नशाला की वेबसाइट देखनी है और उसके ब्राउजर की व्यू पोर्ट डेवलपर ने ऑलरेडी डिफरेंट वेब पेजेस बनाए हुए हैं अब जब यूजर का एस टी रिक्वेस्ट भेजेगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग सी को फेच करेगा और वेब पेज को अकॉर्डिंगली रेंडर करेगा अब अगर यूजर व्यूपोर्ट विथ को चेंज कर दे तो ऐसे केसेस में जब व्यूपोर्ट विथ चेंज होती है तो ब्राउजर वेब पेज को रीरेंडर करता है तो ऐसे हम अलग अलग व्यूपोर्ट विथ के हिसाब से पेजेस क्रिएट करके एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं सीएसएस में मीडिया क्वेरीज का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे यूज करके हम अलग अलग के लिए सेपरेट सीएसएस लिख सकते हैं मीडिया क्वेरीज एक सीएसएस टेक्निक है जो एक रूल यूज करती है जो कहता है द ब्राउजर विल इंक्लूड अ ब्लॉक ऑफ सी प्रॉपर्टीज ओनली इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू इसे समझने के लिए चलिए इस कोर्ट को देखते हैं यहां पर हमने मीडिया की से एक रूल डिफाइन किया है इट सेज अगर से सिक्स हंड्रेड पिक्सल से कम या इक्वल है तो यह कोड का पीस इंक्लूड होगा यह कोड ब्लॉक बिल्कुल बाकी सी एस एस कोड निपिट की तरह है और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है और मैक्स विर्थ का मतलब है कि यह कोड ब्लॉक उन सभी व्यू पोर्ट्स में इंक्लूड होगा जिनकी मैक्सिमम विथ सिक्स हंड्रेड पिक्सल्स है अब क्या आप गेस कर सकते हैं कि इस कोड में मिन का क्या मतलब है इसका मतलब है कि कोड ब्लॉक तब इंक्लूड होगा अगर व्यू पोर्ट की मिनिमम विथ सिक्स हंड्रेड पिक्सल से ज्यादा होगी अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्या होगा अगर व्यू पोर्ट विथ टू पिक्सल से कम होगी तो ऐसे केस में लोगो कैसे फिट होगा यू में पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर अ अगर व्यूपोर्ट टू पिक्सल से कम है तो इसका मतलब है कि वो आइडियली पिक्सल से ज्यादा कुछ नहीं होल्ड कर पाएगा अब क्योंकि लोगों की विथ 200 हंड्रेड पिक्सल डिफाइंड है तो लोगों को अकोमोडेट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल स्क्रोल अपीयर होगा तो ऐसे हम डिफरेंट व्यूपोर्ट विथ के लिए मल्टीपल रूल्स को इंक्लूड कर सकते हैं और डिवाइस फ्रेंडली वेब पेजेस के लिए अपना सीएसएस कोड उस हिसाब से लिख सकते हैं मीडिया क्वेरीज के साथ काम करते वक्त हमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंसीडर करना चाहिए विच इज सी एस एस रिटर्न आउटसाइड एनी मीडिया रूल ब्लॉक इज एप्लीकेबल फॉर ऑल व्यू पोर्ट्स अनलेस ओवर रिटर्न लेटर बाय सम मीडिया रूल चलिए इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं सपोज गिवन है कि मोबाइल डिवाइसेज के लिए लोगों की विथ टू हंड्रेड पिक्सल्स होनी चाहिए और किसी दूसरे डिवाइस के लिए विथ थ्री हंड्रेड पिक्सल्स होनी चाहिए अब मीडिया क्वेरीज यूज करके हमने ये कॉरेस्पॉन्डिंग कोड लिखा है यहां पर हमने मैक्स विथ को सिक्स हंड्रेड पिक्सल्स यूज किया है जिसमें सारे मोबाइल डिवाइसेज इंक्लूड हो जाएंगे हम कोई छोटा नंबर भी यूज कर सकते थे पर सिक्स हंड्रेड पिक्सल्स इज ऑल्सो फाइन ये सारे डिवाइसेज के लिए लोगों की विथ्थ को थ्री हंड्रेड पिक्सल्स रखेगा पर मोबाइल डिवाइसेज के लिए लोगों की विथ्थ ओवर राइट होकर टू हंड्रेड पिक्सल्स हो जाएगी सिंस मेनली तीन तरह के डिवाइस होते हैं मोबाइल्स टैब्स और लैपटॉप्स हम सारे मोबाइल डिवाइस को इंक्लूड करने के लिए मैक्स विथ को सिक्स हंड्रेड पिक्सल्स यूज कर सकते हैं सारे टैबलेट्स के लिए मैक्स और मिन यूज कर सकते हैं और सारे लैपटॉप के लिए मिन विथ था यूज कर सकते हैं अब अगर हम ये कोड सिर्फ टैबलेट्स के लिए ऐड करेंगे तो लोगों की विथ ओवर होकर 250 फिफ्टी हो जाएगी ऑल्सो जब हम डिवाइस फ्रेंडली वेब पेज बनाते हैं तो हमें एच के अंदर हेड टैग में कोड की इस लाइन को ऐड करना चाहिए वरना हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा इसे हमें याद रखना है क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन इस ट्रेनिंग के स्कोप से बाहर है